नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल एडु इन्फो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करेंगे आपका द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 10वीं विषय संस्कृत। दोस्तों हमने बाकी सभी विषय के यहाँ पर जो वीडियो है उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन सबकी जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से दोस्तों आप सभी विषय के यहाँ पे वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको फटाफट आंसर बताते जाऊँगा तो यहाँ पे आप इसको मार्क करते जाएगा। और दोस्तों जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ सभी यहाँ पे आपको आंसर यहाँ पे सही बता रहा हूँ तो यहाँ पे आप इसको मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप आंसर मार्क करते जाइए सीधे सीधे फटाफट। यहाँ पर दोस्तों जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का दोस्तों आपका ए वाला यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा यानी कि श्रृगाल। सेकेंड क्वेश्चन का दोस्तों आपका बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा यानी कि व्याघ्र। तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों आपका सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा यानी कि आतुम। चौथे क्वेश्चन का दोस्तों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी वाला हो जाएगा यानी कि पुनः आयतम। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे पाँचवें प्रश्न की, तो पाँचवें प्रश्न का दोस्तों जो आपका सही आंसर हो जाएगा, पाँचवें प्रश्न का दोस्तों जो आपका सही आंसर था वो आपका बुद्धि था। एक मिनट इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। पाँचवें प्रश्न का आपका सी वाला आंसर यहाँ पर सही था। सिक्स क्वेश्चन का दोस्तों जो आपका सही आंसर था वो यहाँ पे आपका डी वाला आंसर यहाँ पे आपका सही था। सेवन्थ क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, जो आपका सेवन्थ क्वेश्चन है ना इसका यहाँ पे आपका सी वाला आंसर यहाँ पे आपका सही था। इसके बाद दोस्तों हम लोग एट्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक मिनट यहाँ पे एट्थ क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, जो आपका एट्थ क्वेश्चन इसका जो आपका सी वाला ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, नाइन्थ का भी दोस्तों यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन है यहाँ पर सही था। टेंथ की बात करेंगे दोस्तों, टेंथ का भी यहाँ पे आपका सी था यानी कि आपका ए और बी दोनों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप इलेवंथ क्वेश्चन देखिए। अगर आपको पढ़ाई करते समय किसी क्वेश्चन में डाउट आता है या फिर किसी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो अभी डाउनलोड करें फिलो ऐप और तीन इजी स्टेप में अपने सभी डाउट को यहाँ पे क्लियर करें। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें फिलो ऐप, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पे लॉगिन करें और उसके बाद सिंपली अपने क्वेश्चन का या फिर अपने डाउट की यहाँ पे फोटो खींचे या फिर उसको टाइप करें। जस्ट 60 सेकेंड के अंदर इंडिया के टॉप टीचर्स यहाँ पर आपको लाइव वीडियो कॉल के थ्रू आपके डाउट को यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिलो ऐप की यहाँ पे लिंक मिल जाएगी या फिर आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सभी डाउट को यहाँ पे क्लियर करें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक बार दोस्तों आप यहाँ पे कंफर्म करके बता दीजिएगा, अगर आपको कंफर्म है कि 11th का बी होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे 12th क्वेश्चन की, तो 12th क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे 13th क्वेश्चन की, 13th क्वेश्चन में दोस्तों मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप अगर आपको इसका आंसर सही पता तो आप मार्क कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों यहाँ पे आपका ए और जो आपका बी है इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो जो भी आपका अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं यहाँ पर जो आपका कमेंट है उसको यहाँ पर पिन कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14th क्वेश्चन देख लीजिए। 14th क्वेश्चन का दोस्तों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15th क्वेश्चन देखिए। 15वें क्वेश्चन का दोस्तों जो आपका सही आंसर है वो यहाँ पर आपका बी वाला इसका यहाँ पे सही आंसर था। 16वें क्वेश्चन की बात करेंगे, 16वें का दोस्तों आपका ए वाला यहाँ पे आपका सही आंसर था। 17 का दोस्तों आपका डी आंसर यहाँ पे आपका सही था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 18 क्वेश्चन की बात करेंगे, जो आपका 18वां क्वेश्चन है इसका यहाँ पे आपका डी वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका सही है। अगर दोस्तों आपको बाकी सभी विषय के यहाँ पे सॉल्यूशन देखने हैं तो उनकी दोस्तों जो वीडियो हमारे चैनल पे यहाँ पे पहले से अपलोड कर दी गई है, अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो उन सभी को यहाँ पे आप देख लीजिएगा। 19th क्वेश्चन की बात करेंगे, 19th का दोस्तों यहाँ पे आपका सी वाला यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा और 20वें क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे आपका बी वाला यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।